कन्नौज थाने पर टीआई तहजीब काजी ने पदभार ग्रहण किया है। हमारे संवाददाता से चर्चा में काजी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अपराधों में संलिप्त अपराधी अपराधों से तोबा कर ले। नगर में बिना लाइसेंस के दो चार पहिया वाहन जो भी चला रहे हैं उनके विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही कर उन्हें हिदायत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने छोटे छोटे बच्चों द्वारा दो पहिया वाहन चलाए जा रहे हैं उनके पालकों को भी सचेत किया है। छोटे बच्चों को वाहन न चलाने दे। अवैध शराब, गांजा, जुआ, सट्टा आदि गतिविधियों पर सख्ती के साथ शिकंजा कसा जाएगा। नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। साथ ही दुखी तथा पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। सर, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पुलिस की प्राथमिकता तो एक ही रहती है, देशभक्ति, जनसेवा। उसके साथ में जो मैं अपने पर्सनल लेवल में करता हूँ, परित्राणा है साधु नाम विनाशाय च दुष्ट करता हूँ, कि जो दुष्ट हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो सज्जन है, जो लोग डाउन ट्रोडन है, दुखी है, उनके लिए पुलिस हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगी। अच्छा, नगर में कुछ यातायात व्यवस्था भी अव्यवस्थित रहती है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो है वाहनों को चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होते हैं, तो इस संबंध में उनके पालकों को आप क्या समझाइश देंगे? देखिए, अभी नगर की ज्योग्राफी और जो दूसरी स्थितियाँ ये सब समझ रहे हैं, उसके हिसाब से जो बल है उसके आधार पर हमने प्लानिंग करी है कि किस प्रकार से ट्रैफिक और जो दूसरी समस्या बताएं उसके निराकरण करेंगे, इस पर प्रयास चालू कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।